क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे? जानवी कपूर लेंगी अपनी माँ श्रीदेवी की जगह? कौन हो सकता है मिस्टर इंडिया 2 का मोगैम्बो? नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्रैड स्टूडियोज में आप सभी का स्वैक्सिस स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं मिस्टर इंडिया का सीक्वल यानी मिस्टर इंडिया 2 से जुड़े कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, इन सभी टॉपिक्स पर होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करके वीडियो शुरू करते हैं। 64 साल के अनिल कपूर आज भी कई नए एक्टर्स को जमकर टक्कर दे सकते हैं अपने लुक और पर्सनालिटी से। बॉनी कपूर की प्रोडक्शन में बनी 1987 में आई मिस्टर इंडिया बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है, जिसे सभी सिनेमा लवर्स को देखना चाहिए। फिल्म जिसने अब वास्तविक जीवन के बहनोई और भाभी अनिल कपूर और श्रीदेवी को रोमांटिक लीड के रूप में और अमरीश पुरी को आइकॉनिक विलन मोगैम्बो के रूप में अभिनय किया था। अभी भी ये फिल्म कई लोगों की मच वॉच लिस्ट में शुमार है। अब सोचिए ऐसे में फिल्म का सीक्वल आ जाए तो? मिस्टर इंडिया 2 अगर आई तो इतना तो पक्का है कि ये भी थिएटर में जरूर धमाल मचाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि ये खबर अभी तक पक्की नहीं हुई है, यानी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन फैंस इस मामले में पीछे नहीं हटे अपनी ओपिनियन देने में कि अगर मिस्टर इंडिया के सीक्वल में किसी एक्ट्रेस को लेना पड़े तो बॉनी कपूर ये मौका अपनी बेटी जानवी कपूर को जरूर दे सकते हैं। श्रीदेवी ने फिल्म मिस्टर इंडिया में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था, तो इस हिसाब से दोस्तों आपको क्या लगता है कि सीक्वल में जानवी कपूर को लेना सही रहेगा या किसी और एक्ट्रेस को ये मौका देना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए पहले आपको फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि अनिल कपूर इस फिल्म की पहली पसंद नहीं थे जिन्हें उन्हें बॉलीवुड में मिस्टर इंडिया के रूप में पहचान मिली? रिपोर्ट्स की माने तो अरुण वर्मा या मिस्टर इंडिया का रोल अमिताभ बच्चन को उनकी पॉपुलर बैरिटोन की वजह से यानी उनकी वॉइस को ध्यान में रखते हुए लिखा गया था जो इस किरदार को मजबूत पहचान दे सके, लेकिन बाद में उन्हें स्क्रिप्ट को ठुकरा दिया। डायरेक्टर शेखर कपूर ने एक और सुपरस्टार राजेश खन्ना को फिल्म का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मना कर दिया क्योंकि वह इनविजिबल हीरो की एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट से खुद को रिलेट नहीं कर पा रहे थे। अंत में अनिल कपूर ने फिल्म साइन की जो बॉलीवुड की सबसे जरूरी फिल्मों में से एक बन गई। ग्रैंड मस्ती अभिनेता अफताब शिवदासिनी उन कई अनाथ बच्चों में से एक थे जिनकी सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर के कैरेक्टर की देखभाल की थी। अभिनेता पहले से ही 14 महीने के उम्र में फेरेक्स बॉय के रूप में एक चाइल्ड आर्टिस्ट थे और उन्होंने कई हिट फिल्में जैसे मस्ती, स्पीड, फुटपाथ, कसूर, 1920 जैसे कई अन्य फिल्मों में काम किया है। मिस्टर इंडिया में फेमस कोरियोग्राफर अहमद खान ने एक अनाथ बच्चे की भूमिका निभाई थी। रंगीला ताल से लेकर किक तक कई फिल्मों में कोरियोग्राफ कर चुके इस चाइल्ड आर्टिस्ट ने अनिल कपूर और श्रीदेवी की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। मिस्टर इंडिया की सफलता के बाद अहमद को राग जैसी कुछ और फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में देखा गया। अहमद अब एक सफल डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और एक प्रोड्यूसर भी हैं। सो गाइस, ये थे कुछ अनसुने राज मिस्टर इंडिया से जुड़े। अब इसके सीक्वल आने की खबर कब तक पक्की होगी ये आपको हमारे चैनल पर जरूर सुनने को मिलेगा और इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहने की जरूरत है। सो गाइस, इन द एंड और भी सारी अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटके सुनने को कैसे मिलेगा? लाइक एंड कमेंट करके आप भी अपनी ओपिनियन इस फिल्म को लेकर हमें बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सुम भी कह लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा बाय, टेक केयर।